शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों के सितारे में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शेट्टी और बाजारों के सितारे में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं यहां पर आज का कम्युनिटी बाजार का अपडेट लेकर, शेयर बाजार का अपडेट लेकर और आज का राशिफल लेकर। सबसे पहले चर्चा करेंगे यहां पर आज के राशिफल की, और आज का राशिफल जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाजार के जाने माने एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट एमसीवी पर। नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं आज 3 मार्च सन 2022। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान, एग्रो कमोडिटीज में होने वाली हलचल और शेयर बाजार के अंदर क्या रहने की संभावना है और नॉन एग्रो कमोडिटीज़ के अंदर क्या संभावना बनेगी। सबसे पहले राशियों के आधार पर आज का नफा नुकसान। भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड किया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। एक तत्व को 3-3 राशियों का स्वामी बनाया गया है। अग्नि तत्व की 3 राशियाँ 1, 5, 9 मेष, सिंह और धनु राशि आज दिन मिश्रित रह सकता है। 12 से 1 बजे के बीच में आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी है। पृथ्वी तत्व की 3 राशियां 2, 6, 10 वृषभ, कन्या और मकर राशि दिन आपके लिए मुफीद है, शानदार है, लाभ कमा सकते हैं, लेकिन 3 से 4 बजे के बीच में आपको रखनी है अतिरिक्त सावधानी। 3, 7, 11 वायु तत्व की राशियां हैं, मिथुन, तुला और कुंभ राशि मिश्रित रूप की तरफ इशारा कर रही हैं। 1 से 2 बजे के बीच में आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी है। 4, 8, 12 यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि आज आपके लिए दिन संभवतः मुफीद रहे पर ना रहे, परेशानियां बढ़ सकती हैं, और 2 से 3 बजे के बीच में आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। ये था राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। अब कृषि जिन्सों में क्या संभावनाएं बन सकती है। कृषि जिन्सों में आज जीरे के अंदर तेजी की संभावना, उसे इनकार नहीं किया जा सकता। गुजरात के अंदर जीरे की फसल में बहुत कमी बताई जा रही है और फंडामेंटल भी बहुत स्ट्रांग है, मजबूत निर्यात की मांग भी जीरे में आने की संभावना बन रही है, तो इसको देखते हुए जीरे में आज तेजी की संभावना बन सकती है। कपास कली यानी कॉटन सीड ऑयल केक भी आज अच्छी तेजी दिखा सकता है, आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, शॉर्ट करने से बचना चाहिए। तीसरी कमोडिटी जो महत्वपूर्ण होगी वो है गवार सीड। गवार कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत तेजी से उतार चढ़ाव चल रहा है, आज तेजी की संभावनाएं बन सकती हैं, विशेष ख्याल रखें। शेयर बाजार के में रूस और यूक्रेन के बीच में वॉर के को देखते हुए पूरे विश्व के अंदर, ग्लोबल मार्केट के अंदर तनातनी है और काफ़ी वॉलीटिलिटी देखी जा रही है, और रूस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में। रशियन मार्केट करेंसी और रशियन मार्केट बुरी तरह से पिटाई खा रहे हैं। यद्यपि यूक्रेन और रूस के बीच के अंदर यूक्रेन का पलड़ा भारी नज़र आ रहा है, लेकिन कैपिटल मार्केट की दृष्टि से रूबल के अंदर यानी रशियन करेंसी के अंदर बेताशा गिरावट देखी जा रही है। तो दोस्तों, आज आप भारतीय बाज़ारों के अंदर मेटल स्टॉक्स पर नज़र रख सकते हैं। वेदांता, टाटा स्टील, हिंदुस्तान कॉपर जैसे शेयर्स के ऊपर नज़र रखी जा सकती है। नॉन एग्रो कमोडिटीज़ के अंदर आप नज़र रखिए बेस मेटल्स के ऊपर, विशेषकर कॉपर और निकल के अंदर तेज़ी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, यहाँ तेज़ी बन सकती है, विशेष ख्याल रखें। दोस्तों, आपको यह हमारा एपिसोड कैसा लगता है अपनी राय अवश्य दीजिए, और चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।